प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अलावा हम लोगों ने वहाँ पे बात करी है किसकी रेजिस्टेंस की और कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे कि वायर का रेजिस्टेंस क्या करता है डिपेंड। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रेजिस्टिविटी। अब देखो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही एक तरह से क्या है कि इनको हम यही बोल देते हैं कि भाई जो करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसी को रेजिस्टेंस बोल रहे हैं और इसी को रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं। लेकिन इन दोनों में ना एक बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है कि सपोज करो हम लोगों के पास ना एक ये वायर है, दिस वायर इज मेड अप ऑफ गोल्ड। तो हमने लिखा कि ये वायर किसका है, गोल्ड का बना है। और दूसरा जो वायर है, दिस वायर इज मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, या तो ये कॉपर का बना है या किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम का। ठीक है, अब इन दोनों वायर की जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, सेम। इसका मतलब लेंथ भी दोनों की सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है, सेम। ठीक, अब हम लोगों को ये पता पड़ चुका है कि भाई इनके स्पेसिफिकेशन सेम है लेकिन दोनों के मटीरियल क्या है, अलग अलग। ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी होगी, तो रेजिस्टिविटी मटीरियल के बेसिस पे ये बताएगी, फिर से ध्यान से सुनेंगे, रेजिस्टिविटी मटेरियल के बेस पर यह बताएगी कि उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, या वो ये बताएगी कि हाँ भाई इसके अंदर से कितना करंट कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, कि कितना वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर पाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड क्या होता है कि गोल्ड की जो कंडक्टिविटी है, ध्यान से सुने, मैंने यहां पे लिखा कि द कंडक्टिविटी ऑफ द गोल्ड इज वेरी गुड। ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी क्या है, बहुत बेहतरीन है। कंडक्टिविटी अगर बहुत बेहतरीन है, इसका मतलब इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत ही पुअर। तो रेजिस्टिविटी इज वेरी पुअर। रेजिस्टिविटी पुअर होने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना चाहेगा ना, तो उसका एक कम अपोज करेगा। ठीक है, यानी कि उसके अंदर से इजीली करंट हमारा क्या कर पाएगा, फ्लो कर पाएगा। लेकिन वहीं गोल्ड के कंपैरिजन में अगर हम कॉपर और एल्यूमिनियम वायर की बात करते हैं, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है, हमने लिखा कि इनकी जो कंडक्टिविटी है इज नॉट सो मच गुड। किसके कंपैरिजन में लिख रहे हैं, ये गोल्ड के कंपैरिजन में लिख रहे हैं। इसका मतलब इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होगी, यानी कि ये अपने अंदर से कम करंट को फ्लो करने देंगे। किसके कंपैरिजन में, गोल्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी मटेरियल के बेसिस पे हमें ये बता रही है कि किसी भी वायर या कंडक्टर के अंदर से कितना करंट फ्लो कर सकता है या कितना करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जो रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि जो वायर है, ठीक है, जो वायर है उसकी बनावट कैसी है। ठीक है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, मतलब क्या हो गया कि यहां से हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर देखो, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर हम वायर की लेंथ को बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, वहीं अगर हम इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देते हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, फिर हमने दोनों इक्वेशन लिखी, तो दोनों इक्वेशन में प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद हमने यहां पे लिख दिया था रो एल बाई ए। तो वायर का जो रेजिस्टेंस है, तो जो रेजिस्टेंस किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है एक तो रेजिस्टिविटी पर, दूसरा डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, तीसरा डिपेंड कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। लेकिन वायर जो रेजिस्टिविटी है, ये जो रो है, दिस रेजिस्टिविटी सिंपली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल, कि मटीरियल खुद कैसा है। ठीक है, मटेरियल हमने देख लिया गोल्ड और कॉपर है, तो इसके देखो क्या है डेफिनेशन में लिखा, अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ईच मटेरियल। ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है हर एक मटेरियल की, एंड दिस रेजिस्टिविटी इज यूजफुल इन कंपेयरिंग वेरियस मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है कि हम मटीरियल्स को कंपेयर कर सकें किस बेसिस पर, कि वो अपने अंदर से कितने करंट को वो फ्लो करा रहा है। अगर किसी भी मटीरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही पुअर कंडक्टर है। ठीक, तो देखो एक बार फिर से फॉर्मूले को रिकॉल कर लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था, कि हम लोगों ने ना ये पढ़ा है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। दोनों को एक साथ लिख रहे थे, तो हम लोगों ने लिखा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पर रो का यूज किया था, रो को जब फ्री करेंगे तो वी विल राइट आर ए बाई एल, ए इधर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वहीं इसकी हमने यूनिट भी लिखी थी, यूनिट क्या थी इसकी, आर के लिए हम लोग लिख रहे थे ओम, सिंबल लगाया,
एरिया के लिए लिखा मीटर स्क्वायर, लेंथ के लिए लिखा मीटर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यूनिट क्या बन गई, आ गई ये आ गई ओ मीटर। ठीक, तो फिर से सुन लेते हैं एक बार। रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी सिंपली इस बात पर डिपेंड करती है कि मटेरियल कैसा है। ठीक है, मटेरियल पे बात कर रहे हैं कि वो जो वायर है, कंडक्टर है, किस मटेरियल का बना हुआ है। रेजिस्टेंस हमारा इन बातों पर डिपेंड करेगा कि पहला उसकी लेंथ क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और तीसरा कि वो उसका मटेरियल क्या है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। इसके अलावा एक और फैक्टर है जब वो यूज होने लगेगा, यानी कि टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी सिंपली इस बात पर डिपेंड कर रही है कि वो वायर कंडक्टर किस मटेरियल का हमारा बना हुआ है।